वो कह रहे 500 साल पीछे चला गया देश। मैं कहा योगी जी को ले आओ, सीधा त्रेता दिखाई देगा, कत्ते ही कोरा बिल्कुल राम राज आ जाएगा। आने दो योगी जी को, अभी चाय वाला एक बार फिर से गाय वाला। मोदी अब छोटी चीज नहीं रहे, वो युग नायक हो गए। दल दल मिला के दल दल बनता है, उसमें कमल खिलता है और मोदी जी जीतेंगे 2024 में। 24 में रिपीट होगी क्या सरकार? निश्चित रूप से रिपीट होगी और बहुत इससे ज्यादा अच्छे से मोदी जी आएंगे। मोदी जी की टक्कर टक्कर वाली बात नहीं है भैया, पर आप कह रहे हो कि गैस सिलेंडर दिए, ये चीज दिए, राशन दिए। आज के युवा से जाके पूछे क्या उसको गैस सिलेंडर की जरूरत है या उसे फ्री के राशन की जरूरत है, फ्री के खाने की आदत लगा रहा, उसको कमाना क्यों नहीं सिखा रहे हो आप लोग? भाई तुम्हारे में स्किल नहीं है, तुम्हारे में कोई योग्य नहीं, 12वीं पास करके तुम सोचोगे मैं DIG DM बनूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब भाई कितने यहाँ पे आगे पी के बैठे हुए हैं, अब वो कहेंगे हम बेरोजगार है, रोज 500 की दारू पी जाएंगे और कहेंगे हम बेरोजगार है, तो ऐसा नहीं होता ना। नमस्कार, मैं अविश शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 3 राज्यों में भाजपा को बम्पर जीत मिली है, अब उसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। 2024 में महज कुछ ही महीने बचे हैं जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। अब क्या जनता के मन में है, जनता के क्या विचार है, क्या भाजपा की जो पॉलिसीज़ है उसको जनता पसंद करने लगी है? क्योंकि जिस प्रकार से राज्यों में एक के बाद एक भाजपा की सरकारें बनती जा रही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा यहाँ पर फैक्टर की तरह सामने आ रहा है? जनता के बीच आज हम आए हैं, जनता से जुड़ते हैं और क्या कुछ लोगों का कहना है वो जानते हैं। जी किसको देखते हैं प्रधानमंत्री 2024 में? देखिए एक तरफ तो वो है जो पुनौती कह रहे हैं और देखिए चुनौती थी इस भ्रष्टाचार के युग में मोदी जी ने वो कमल खिलाया जिससे आज सब लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं, जिसे देखकर के आश्चर्यचकित हो गए, हो कैसे गया? नहीं तो हमारी जो है ना जो रिमोट कंट्रोल चलाने वाली जो आंटी थी, वो भूरी आंटी क्या करती थी, वो कि ना वो कहती थी मोदी जी 7 जन्म ले ले, दारा 370 नहीं हटा सकते, मोदी जी 50 जन्म ले ले, राम मंदिर का मामला हल कर सकते, ठीक है ना। वो लोग और इतने बरगरा गए हैं, इतने डर गए हैं कि आज ये कह रहे भाई मध्य प्रदेश में आ रही है, राजस्थान में सरकार जा रही है, फिर सॉरी 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 सॉरी, इतने वो हो गए और युवा है वो। और देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है, मोदी का मिशन भी अलग है, मोदी का मिजाज भी अलग है, और देखिए कुछ भी हो जाए हम देश को झुकने नहीं देंगे और देश को बिकने नहीं देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। विदेश में जा करके राहुल जी इतने बुद्धि के दिवालिया हो गए, विदेश में जा कोई अपने घर में कुछ भी हो जाए, व्यक्ति कैसे भी रहे, लेकिन जाकर बाहर भी बाहर बुराई नहीं करता, जो समझदार होते और जो मूर्ख होते वो ढोल पीटते हैं। इंडिया अलायंस वाले कह रहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को इस बार। देखिए वो तो स्थिति नहीं बता दी, 3 राज्यों में क्या हुआ है, हालत खराब हो गई है। और बोल रहे ईवीएम हैक कर ली, देखिए ये तो रोना इनका रोना रहते रहे हैं हमेशा। जब आपका हिमाचल में सरकार आई तब तो नहीं रोया ये, है ना, अभी वहाँ कर उसमें आ गई आपका तेलंगाना में आ गई, भाग्यनगर कहते हैं हम तो से, ठीक है ना, वहाँ आ गई, वहाँ भी नहीं कोई गड़बड़ है, तो गड़बड़ वहीं क्यों होती है, जाए हार जाते हैं वहीं। इन्हें क्या है, सीधी सी बात है, अपनी हार का जिम्मेदार अपने आप को नहीं, है ना, इन्होंने कारनामे किए, कारनामों में वोट नहीं मिलते, कर्म करने पड़ते हैं और कर्म में निष्पक्ष करने पड़ते हैं, ऐसे करने में किए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, ठीक है ना। इनके यहाँ योग्यता क्या है, किस योग्यता पे देते हैं, कौन था कमलनाथ, कमलनाथ ड्राइवर था, राजीव गांधी का ड्राइवर था, इनके यहाँ जितना बड़ा चमचा होगा उसको टिकट देंगे, नहीं तो गहलोत जी थे, गहलोत पीछे पीछे घूमने वाला, सचिन पायलट भी था वहाँ, उसको दावेदार नहीं बनाया इन्होंने, क्यों, वो योग्य व्यक्ति है, और जो योग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति डर लगता है क्योंकि राहुल को डर है, क्योंकि योग्य तो है नहीं वो, वो तो वो क्या ना, वो क्या कहते ना, अभाव में है, अभाव में नेता है, क्योंकि नेता कोई और है ही नहीं। और इस कांग्रेस में लोग जो है ना पैदा ही प्रधानमंत्री होते हैं, इनके सीएम नहीं बनते, देख लो कोई सीएम बनाओ, पीएम ही बनते हैं यहाँ। और वो व्यक्ति जिसे ये नहीं पता, अब ये कह रहा है वो जो है छत्तीसगढ़ में जा रही है, राजस्थान में जा रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, ठीक है ना, फिर कह रहे कंफ्यूज हो गया, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो बताने में, अपनी विजय को बताने में कंफ्यूज हो रहा है, वो देश को चलाने में कितना बड़ा कंफ्यूज होगा। मोदी जी देश को 10 साल पीछे लेके चले गए, मुझे अगर मौका देंगे तो रोजगार की बारिश आ जाएगी युवाओं के लिए। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, कुछ लोग एक कांग्रेसी भाई मुझे कह रहे हैं 100 बताया, वो कह रहे 500 साल पीछे चला गया देश। मैं कहा योगी जी को ले आओ, सीधा त्रेता दिखाई देगा, कत्ते ही कोरा बिल्कुल राम राज आ जाएगा, ला के दिखाओ, ठीक है ना, 100 साल नहीं 500 साल कह रहे ना। मैं कह रहा हूँ योगी जी को ले, आने दो योगी जी को, अभी चाय वाला एक बार फिर से गाय वाला, और जब गाय वाला आएगा, गाय का भैया हर चीज काम में योग्य होता है ना। योगी जी मैं तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं योगी जी। देखिए मैं तो इस बात को भी सकारात्मकता में लेता हूँ, ठीक है ना, वो हिंदू मुसलमान कर तो रहे, देखिए मैं हिंदू मुसलमान करते रहे, कुछ तो मुसलमान मुसलमान करते रहे हमेशा, ठीक है ना, एक पक्ष से बात करते हैं। और सुनिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कितने लोग खड़े हैं यहाँ, कोई बताए पिछले 9 सालों में किसी हिंदू के साथ, किसी मुसलमान के साथ, किसी सिख के साथ, किसी जैन के साथ, किसी बौद्ध के साथ, और जो कम्युनिस्ट किसी को नहीं मानते
उनके साथ अन्याय हुआ हो तो बताओ। जिसे गैस सिलेंडर मिले तो सबको मिले, जनधन योजना के माध्यम खाते खुले तो सबके खुले, है ना, किसान निधि मिली तो सबको मिली। कोई मोदी जी की टक्कर टक्कर वाली बात नहीं है भैया, पर आप कह रहे हो कि गैस सिलेंडर दिए, ये चीज दिए, राशन दिए, पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आज के युवा से जाके पूछे क्या उसको गैस सिलेंडर की जरूरत है या उसे फ्री के राशन की जरूरत है। जो मात्र 50 रुपए का राशन आ रहा है, 5 यूनिट दे रहे हो आप, 1 यूनिट में 5 किलो राशन दे रहे हो, एक युवा को आज से फ्री के खाने की आदत लगा रहे हो, उसको कमाना क्यों नहीं सिखा रहे हो आप लोग भाई, रोजगार क्यों नहीं दे रहा हूँ ताकि वो आगे आके चीजों को कर सके। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, मेरा नाम राजकुमार है, वहां से बिलोंग। मैं युवा, मैं बात करना चाहता हूँ कि मुझे क्या मिलता है, राशन की बात कर रहे हो आप, लत लगाए जा रहे हो कि आपको सिर्फ राशन दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, रोजगार नहीं मिला है आपको, रोजगार कहाँ मिल रहा है, कितने अप्लाई किया जी, कहाँ पर अप्लाई किया आपने? अप्लाई मैंने किया हुआ है बहुत सारी चीजों में, एसएससी लेवल को आप देख लो कितनी सारी वैकेंसियां टीचर्स में, बाकी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं कलेक्ट्रेट में एडीएम स्टेनो वर्क करता हूँ आउटसोर्सिंग के थ्रू, काशी तो नौकरी मिली, रोजगार की बात कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग के थ्रू हूँ मैं भाई, मैं अपना आउटसोर्सिंग ही लाऊं, मेरी खुद की सिस्टर एज ए टीचर के अप्लाई किए हुए 69,000 वैकेंसियां थी, कितनी अभी तक प्रोसेस में चल रही है। तो आप प्राइवेट रोजगार भी तो रोजगार ही होता है ना भाई साहब, प्राइवेट रोजगार कहाँ तक हम तलाश में जा रहे हैं जब हमें गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, एजुकेशन इतनी, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है जिसको हम लेने में परेशान हो रहे हैं, आपने पैट एग्जाम डाल दिया है, पैट एग्जाम में आप हमारे सेंटर डाल लो ललितपुर झांसी से महोबा हमीरपुर, इतनी दूरी पर डाल लो, एक बंदा किराया लगा के कैसे जाए। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, ठीक है ना, इस देश में जी रोजगार की बात करें, सरकार का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है ना, यातायात व्यवस्था, ये मुख्य चार काम होते हैं सरकार के, ठीक है ना। रोजगार देना हमारी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, जो योग्य व्यक्ति हैं। अभी पिछले दिनों में आपका तालकटोरा स्टेडियम गया, वहाँ पर 50,000 नियुक्ति पत्र बांटे किसने, अभी भी बोर्ड शायद लगा होगा अमित शाह जी ने, 15,000 नौकरियाँ बांटी हरियाणा में कुरुक्षेत्र मेले में, रोजगार मेले में, ठीक है ना, जो योग्य था वो लगा, ठीक है ना। मैं हूँ, मैं खुद की बात करता हूँ, ठीक है, मेरे साथी थे, मेरे साथ पढ़ने वाले, जब मैरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था बीकॉम में, मेरे साथ पढ़ने वाले लगभग 120 छात्र थे, ठीक है ना, 120 छात्र में से लगभग 80 छात्र लग गए, मैं नहीं लगा, क्यों, मेरी योग्यता वो योग्यता नहीं थी, ठीक है ना। फिर मैंने देखा भाई इसमें तो योग्यता नहीं बन रही, कुछ और करो भाई, सरकार का कार्य नहीं होता तो रोजगार देना। और ठीक है, रही पढ़ाई की बात, सरकार ने उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश पूरा घूमा है क्योंकि मैं एक समाज से भी हूँ, ठीक है ना, मैं अपने कार्य करूँ इसे उससे मैंने घूमा है, वहाँ पर कहीं भी सरकार देखिए, जो व्यक्ति संस्कृत से पढ़ना चाह रहा है, संस्कृत बोर्ड नहीं था, संस्कृत बोर्ड बनाया, उनको फैसिलिटी जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की है वो फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है ना। और फीस की रही बात, पिछले दिनों में जब उनकी सरकार थी उस समय लगभग 1,000 रुपये फीस थी, उसमें 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है, चूके तू है। और सुनिए, वजीफा जो बच्चों विद्यार्थी को मिलता था वो उस समय मिलता था वजीफा आपका 3,300 रुपये, प्लस टू में पढ़ने वाले विद्यार्थी को आज वही 6,600 रुपये मिल रहा है, वो सरकार दे रही है, ठीक है ना। और देखिए, उसमें जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है उस घर पे तो कुछ नहीं होगा, देखिए भैया कुछ चाहिए तो खोजना पड़ेगा, नदी देखिए हर जगह नदी नहीं खोजी जा सकती, कुआं खोदा जा सकता है, कुआं खोदने के लिए कुएं में पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, कुआं आपके पास चल के नहीं आएगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उसे काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सरकारी रोजगार ही रोजगार है कि प्राइवेट नौकरी को भी रोजगार मानते हैं? रोजगार जो कहते हैं ना, सरकारी नौकरी रोजगार, बेरोजगार वही व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी के चक्कर में लगा है, चाहे वो जिसमें स्किल नहीं है वही बेरोजगार है, बाकी सब रोजगार करते हैं। सरकारी नौकरी वाले को जितने गवर्नमेंट जॉब का योग्यता है, जो भाई कह रहे हैं सबको जॉब मिल रही है, तुम्हारे में स्किल नहीं है, तुम्हारे में कोई योग्य नहीं, 12वीं पास करके तुम सोचोगे मैं DIG DM बनूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब भाई कितने यहाँ पे आगे पी के बैठे हुए हैं, अब वो कहेंगे हम बेरोजगार हैं, रोज 500 की दारू पी जाएंगे और कहेंगे हम बेरोजगार हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। अगले साल जब 2024 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, अभी 3 राज्यों में जो भाजपा जीती है, क्या इसको देखा जा सकता है कि 24 में भाजपा दोबारा रिपीट होकर आ रही है? दल दल मिला के दल दल बनता है, उसमें कमल खिलता है और मोदी जी जीतेंगे 2024 में। मोदी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और मोदी जी केवल भारत के स्तर के जो है ना आपका नायक नहीं है, वो अब विश्व नायक बन गए हैं। पिछले दिनों G20 हुआ, दुनिया के जो 20 देश हैं उनका नेतृत्व करने वाले वर्तमान में मोदी जी हैं। कहीं भी किसी देश में हमला होता है, कुछ मोदी सुलह के लिए मोदी जी को बुलाते हैं, मोदी अब छोटी चीज नहीं रहे, वो युग नायक हो गए हैं। और ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, कार्य हो रहा है, उसके ऊपर काम करोगे तो जनता बिठाएगी, और नहीं करोगे, कारनामे करोगे तो कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। जुड़ते कोई है मोदी जी? एक मिनट रखिए, ठीक है ना। अब इन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया है, अब ये सबके लिए कुर्सी बनाएंगे, अपने नाम बनाएंगे, अपनी कुर्सी बिठा के जहां बैठेंगे, वैसे जनता बिठाने वाली नहीं, ना तो योग्यता है और ना इनके अंदर अनुशासन है, ये केवल और केवल कांग्रेस
दिखा भी चेहरे हैं, दिखाने के लिए ब्राह्मण बनते हैं, दिखाने के लिए मंदिर बजाते हैं। और मदन मोहन मालवीय जी कहते थे आने वाले समय में जिस दिन ये सनातन प्रचंडता पे आना, अभी प्रचंडता पे नहीं आया, प्रचंडता में आना आराम हो जाएगा, उस दिन सब लोग जो नकली लोग हैं वो कोटों के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, पहने फिर रहा है। आपके सामने क्या नाम हुआ? बाल किशन महेश्वरी। कहाँ के रहने वाले? श्री गंगानगर, राजस्थान, पाकिस्तान बॉर्डर है हमारा। अच्छा, बिल्कुल बॉर्डर के पास से आ रहे हैं। बिल्कुल 20 किलोमीटर इधर है। राजस्थान में बहुमत आ गई है, भाजपा की दो और राज्यों में भी जीते हैं, तो क्या लग रहा है ये 2024 का सेमीफाइनल था, जिस तरीके से भाजपा को बहुमत मिली, 24 में रिपीट होगी क्या सरकार? निश्चित रूप से रिपीट होगी और बहुत इससे ज्यादा अच्छे बहुमत से मोदी जी आएंगे। क्या कारण है? मोदी जी ने जो काम किया है, कारण ये है, हमें जो आम आदमी को महसूस कर रहा है, रेलवे में काम हो रहा है, सड़कों पर काम हो रहा है, और हमारे को जो मूलभूत फैसिलिटीज है, एम्स आज हिंदुस्तान में 10 जगह एम्स खुल गए, मेडिकल फैसिलिटीज है, और आगे भी जो विजन है उनका, देश को आगे ले जाने वाला विजन है। और आज जो हमारा गया है वो जो चांद पर उतरा है, हाँ, वो भी आज वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हुआ है उससे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जब से आए देश को 10 साल पीछे लेकर चले गए हैं। देखिए सर, वो तो उनकी सोच है, हम तो आम, हमारी जो बुद्धि और हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है, हमारा जो मध्यम वर्ग जो हम सोचते हैं। युवा आगे आएंगे, क्या नाम है? प्रियम शाह। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के, दिल्ली के। दिल्ली के ही है। हाँ। आप कुछ पैंडेमिक की बात बता रहे, जरा बताइए। देखिए पैंडेमिक हुआ था तो सारे देश की इकोनॉमी पीछे गई थी। अब राहुल गांधी बोल रहे खाली इंडिया की गई थी, ऐसा तो नहीं है, खाली इंडिया गई थी, मतलब पूरे दुनिया की इकोनॉमी पीछे गई थी। एक बात और थी, वो कह रहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी यानी कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए रोजगार की बारिश हो जाएगी। ये तो उन लोगों ने बहुत पहले भी कहा था कि नहीं, ये तो सारी सरकारें कहती हैं कि नौकरी देंगे, लेकिन जितना वो लोग प्रॉमिस करते हैं उतना फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्या लगता है फिर 2024 का जब अब चुनाव होगा अगले साल, कुछ ही महीने बचे हैं इस चुनाव में भी, ऐसे में क्या भाजपा सरकार रिपीट हो पाएगी, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल रिपीट होगी, बिल्कुल होगी। बिल्कुल। क्या कारण है, क्या पसंद आया आप? देखिए पहले तो उन लोगों ने इतनी स्कीम निकाली आयुष्मान भारत, उसके बाद जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट हुआ है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया अभी। आप मुफ्त की चीजें दे रहे हो, अल्टीमेटली अपने जेब से तो दे नहीं रहा है वो, अब बताइए आप ही अपने जेब से दे रहा है वो, नहीं, वो तो जनता का पैसा, वो जनता का पैसा मुफ्त में बांट रहा, अल्टीमेटली वो डेट में जा रहा है। तो आज देश के युवा हैं, आपको मुफ्त बिजली मुफ्त पानी चाहिए या फिर काम करके कमाना चाहते हैं भाई? केजरीवाल के पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि वो रैपिड रेल में पैसा दे पाए, बोल रहा है पैसा नहीं है मेरे पास। बताइए आप मुफ्त का चीज देगा, उसके उस चीज के लिए पैसा कहाँ से होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं देश को नंबर वन बना दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं, और फ्री में चीज बांटने के उसके पास पैसा है, बताइए आप ही। प्रधानमंत्री का जो मैंने सवाल कर रहा है, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं देश को नंबर वन बना दूंगा, जैसे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया। ये लंदन पेरिस है, देख लीजिए आप ही, आप देख सकते हैं। लंदन पेरिस बना दिया क्या दिल्ली को? नहीं भाई, नहीं बनाया, खुद ही देख लीजिए भैया, खुद ही देख लीजिए आप। लंदन पेरिस को बनाया है, यह सब एरियाज को नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री बना को जाके देख लो, पूरे कूड़े कचरे पड़े रहते हैं उधर। नंबर वन दावेदार हूँ प्रधानमंत्री का। ना भाई ना, मैं बोलूंगा ही नहीं उन्हें, देश को नंबर वन पे ले जाऊंगा, दिल्ली को नंबर वन कभी नहीं जाएगा, वो आएंगे तो कभी नहीं जाएगा। विपक्ष में क्या कोई नेता है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकेगा 2024 के चुनाव? अभी फिलहाल कोई नहीं है, अभी उनका मुकाबला कर सके। हाँ जी, कोई है मोदी जी के टक्कर में? आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा जिंदगी में, लाइफ टाइम भाई। प्लान बना लिया है ना इंडिया अलायंस के नाम से, जिसे कहते हैं, कह रहे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे भाजपा। ये देखिए, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, कॉन्फिडेंस है अच्छी बात है, लेकिन कहने करने में बहुत फर्क होता है। देखिए पहले तो किसी का इमेज आप दिखा दीजिए, किसी का भी इमेज जनता के सामने अच्छा हो तो, राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं है इमेज अच्छा, किसी के सामने भी हो अच्छा है इमेज, इसका क्या नाम है केजरीवाल का इमेज अच्छा है, रैली में उनको लोगों ने क्या क्या किया था बताने की जरूरत नहीं है सारी बातें। कोई टक्कर में नहीं मिल पाएगा अभी तक तो, कोई टक्कर में नहीं है। एक बात और कही जा रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत कांग्रेस के फेवरिंग लोग तो जो ये बात बोल रहे थे कि जो 3 राज्यों में भाजपा जीती है वो अनपढ़ों की वजह से जीती है। अच्छा, अनपढ़ों की वजह से जीती है, अनपढ़ वोट देते हैं भाजपा को, अनपढ़ वोट देते हैं। हाँ तो इंडिया के मेजोरिटी लोग अनपढ़ है, मतलब अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहा था देश के प्रधानमंत्री जो है वो चौथी पास है, अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं IIT से आया हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। देखिए IIT डजंट मैटर, ये पॉलिटिक्स है। वो क्या वो बनाने जा रहा है क्या, क्या बोलते हैं उसे, कुछ मशीन वगैरह बनाने जा रहा है क्या? IIT से आया हूँ, IIT ग्रेजुएट हूँ। पॉलिटिक्स और IIT दोनों एक अलग चीज है भाई। मोदी जी कैसे चला रहे हैं देश को? अच्छा चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। इंडी गठबंधन बना कर सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे भाजपा को? नहीं फेंक पाएगा, नहीं फेंक पाएंगे। क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हैं। मैं क्या काम बढ़िया लगा मोदी जी का? सब हर चीज में अच्छा चल रहे हैं। और राहुल गांधी अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, मैं पूरे भारत को एक साथ जोड़ के चलूंगा। रैली तो सबको ही निकालता है, कौन नहीं निकालता, सबको ही निकालता। प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या?
ऐसे मैं भी रैली निकाल दूं, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं फिर तो। भाजपा ने भारत तोड़ा था, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ क्यों नहीं रहा? मोदी नहीं जोड़ पाया और ये केजरीवाल जोड़ने जा रहे हैं, राहुल गांधी जोड़ने जा रहे हैं, तो मोदी बेकार हमारा। मोदी जो नफरत की राजनीति करते हैं, इतने देशों से संगठन कर दिया, उन्हें आज तक करवाया कोई भी? तू अच्छा था, पढ़ा लिखा था, चलो हम बीजेपी अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखे हैं तो बंद क्यों हो रहे हैं, तिहाड़ में क्यों जा रहे हैं? बीजेपी ईडी सीबीआई लगा देती है, पीछे पड़ गया वो। नहीं अभी तो आपका बंगला है क्या, वहाँ रहीस करने जा रहे हैं ये सारे लोग? भाजपा लगा देती है ना पीछे, तू उनके पीछे लगा दे। राहुल के पीछे तो कोई नहीं लगा रहा, तेरे पीछे क्यों लगा रहे हैं? जनता के साथ मौजूद थे, जनता के विचार हमने जाने। जिस प्रकार से तीन राज्यों में भाजपा की जीत हुई थी उसके बाद जनता का जो कहना था, जिस प्रकार से 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है, कुछ महीने बचे हैं 2024 के चुनाव में, उससे पहले तीन राज्यों में भाजपा की बंपर जीत हो जाना, जनता में क्या संकेत इस चीज का पहुंचा वो आज हमने जाना। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है यहाँ पे हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज हिंदी।